यूनिट 3 ईस्टर्न सिस्टम्स एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। ईस्टर्न सिस्टम आउ वेस्टर्न सिस्टम रे स्कूल रा स्ट्रक्चर केमती थिला हमें यूनिट रे पढ़िबा। 3.1 अछि ईस्टर्न सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी। हमरो मेनली चारटा सिस्टम ऊपर डिपेंड थिला, संख्य, योग, न्याय आउ वेदांत। हमरो बुक रे चारटा सिलेबस रे अछि, तनकर हमें ए चारटा ही पढ़िबा। संख्य फिलोसॉफी का कोंती, संख्य इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफीज फ्रॉम द सिक्स इंडियन फिलोसॉफी। मेनली छटा फिलोसॉफी अछि इंडिया रे, तादरु सबुटु पुरणा होची संख्य फिलोसॉफी। द फाउंडर ऑफ संख्य वाज द ग्रेट सागे कपिल, हु वाज रिटन द स्क्रिप्ट संख्य सूत्र। संख्य सूत्र लिखिथिले कपिल, आ से मध्य संख्यर प्रतिष्ठाता थिले। ऑन द बेसिस ऑफ उपनिषद टू स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी डेवलप्ड इन इंडिया। उपनिषद हिसाब रे दी टाइप रो स्कूल डेवलप हेतला इंडिया रे। गोटे होची द रियलिस्टिक या कोंती संख्य, आ गोटे हला द आइडियलिस्टिक गोटे वेदांत। मेनली आमे जो चारटा पढ़िले संख्य, योग, न्याय, वेदांत, ता भितर दीटा फेमस थिला, गोटे होची संख्य आ गोटे होची वेदांत। ए टाइप रो स्कूल गुडाक भारत संस्कृति रे बहुत अधिक आदृत होइतला, प्लस सबुआडे तार स्कूल रो सिस्टम थिला पढ़िया पे। द संख्य फिलोसॉफी कंबाइन्स द बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ संख्य एंड योग। संख्य रिप्रेजेंट्स द थियोरी एंड योग रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन और द प्रैक्टिकल एसेट। बुझेला संख्य मान आम पढ़ुले थियोरिटिकली पढ़ुले, योग जहाँ पढ़ले आम आम लाइफ रे यूटिलाइज कर प्रैक्टिकली। द मीनिंग ऑफ द वर्ड संख्य इज बेस्ड अपॉन द संस्कृत एंड इट मीन्स नंबर। संख्य आम क्या नंबर को कहू, तेणुक यहाँ संस्कृत उपर आधारित थिला आउ जार माने थिला संख्या बा नंबर। दि संख्या अल्सो मीन्स परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज टाक आम संख्य फिलोसॉफी बा संख्या बोली कही था। संख्या इज ए काइंड ऑफ डुअलिस्टिक रियलिज्म बिकॉज एक्सप्लेन और टेल्स अबाउट टू अल्टीमेट रियलिटीज। गोटे हला प्रकृति बा मैटर को कटे गला, आ गोटे हला पुरुष जाक आम सेल्फ और स्पिरिट बोली कही था। दीटा प्रकार क्यारेक्टर बेस थी, गोटे हला प्रकृति बा मैटर, आ गोटे हला सेल्फ और स्पिरिट। संख्या इज रियलिज्म आज इट कंसीडर्ड दैट बोथ मैटर एंड स्पिरिट आर इक्वली रियल। दि प्रकृति इज दि प्रिमिटिव सब्सटेंस। आम प्रारंभिक सब्सटेंस कौन थी प्रकृति, बिहाइंड दि वर्ल्ड पृथ्वीर गठन पचर मूल कारण किए आम प्रकृति, एंड इट इज दि मेटेरियल कज अफ दि वर्ल्ड। आम मेटेरियल कजटा था वर्ल्ड। प्रकृति इज कन्स्टिट्युएटेड अफ थ्री गुणस, गोटे सत्व रज आउ तमस। सत्व है सत्व इज कन्सीडर्ड विथ हापिनेस, आमर इगो है माइंड है इंटेलीजेन्स आर सब रिलेटेड थी। रजरे कौन थी इट इज कन्सीडर्ड विथ आक्शन, आक्शन रिलेटेड थी आम मेटेरियल है अब्जेक्ट है तार रिलेटेड कौन आक्शन है ये सब विषय रजरे थी। आमसरे तमसरे कौन थी इज एसोसिएटेड विथ इग्नोरेंस एंड इन एक्शन। इग्नोरेंस थिला आउ इन एक्शन थिला, सेते फलप्रद नथला सोसाइटी पई। एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ऑफ संख्य। दि एजुकेशन अंडर संख्य फिलोसॉफी इज ए स्पिरिट और सोशल नेसेसिटी। इट रिगार्ड्स दि एजुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर दि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। आमर एजुकेशनल इम्प्लिकेशन सेतेबेला संख्यार बहुत अधिक थिला, जेहेतु एटा आम सोसाइटी रिलेटेड थिला, सेटा सोसाइटी पाई बहुत एसेंशियल मध्ये थिला। इट इज सजेस्टेड दि मुक्तस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम दि बॉन्डेज ऑफ पुरुष फ्रॉम दि मटेरियल बॉडी एंड इट कैन ओनली पॉसिबल थ्रू राइट नॉलेज एंड इट विल कम थ्रू प्रॉपर एजुकेशन। प्रॉपर शिक्षा द्वारा आम कौन करुले आमर जो कहले भाई जमी आम आत्माटा को कौन बुझी पार्थे आमको से फ्रीडम मिलूला स्पिरिचुअल वे आम गोटे कथ को किसी भावुले।
एम कौन थी एजुकेशन टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन इनकुलेटिंग सॉरी इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिव बुद्धि टू अचीव द एम ऑफ सल्वेशन टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ टू डेवलप द मेंटल फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रेन करिकुलम कौन कौन थिला द करिकुलम शुड बी फोकस ऑन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ द करिकुलम शुड बी एज पर एज द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड चाइल्ड स्टेजेस ऊपर एटा डिपेंड करथला मेनली दुटा स्टेज डेवलपमेंट देखा मिलूला गोटे इन चाइल्डहुड आ गोटे हूँ इन दि डेवलपमेंटल डेवलपमेंट स्टेज चाइल्डहुड कौन देखा पाथिलु ड्यूरींग दि स्टेज द डेवलपमेंट अफ सेन्स अर्गानस एंड मोटर अर्गानस इज रैपिड पूरा चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेन्स अर्गान कि मोटर अर्गान रैपिड बेगरे इनक्रीज करें सो इन दि स्टेज दि एजुकेशन एज पर देयर नेचुरल इनसिक्स सब्जेक्ट लाइक मैथ लैंग्वेज लॉजिक सोशल शुड बी प्रेस्क्राइब्ड डेवलपमेंटल स्टेज कौन होता दि कनसेप्ट अफ सेल्फ इज डेभलपड इन एडोलेसेंस एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्यान भी टट टू देम सब्जेक्ट लाइक कौन थी फिजिक्स केमिस्ट्री पिला छोट पिला मैथ है लांगुएज है लिटरेचर टे पढ़ुते कि डेवलपमेंटल स्टेज होगा फिजिक्स रण बुझाला केमिस्ट्री रण बुझाला केमिस्ट्री रण यूज रहा टी हार्ड पाठ गुडाक पिला पढ़ाला बुझीपाले सहजे मेथड अफ टीचिंग कौन कौन मेथड थी डायलॉग्स ऑब्जर्वेशन लेक्चर मेथड एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्वेश्चन आंसर आर दि इम्प्लाइड इन संख्या फिलोसफी क्वेश्चन पचार उत्तर पिला दौले डिस्कशन मेथड था जन लेक्चर देखा समस्त शुणुले जो जिनस पढ़ुते एक्सपेरिमेंट करके बुझुते ये टाइप रे मेथड देखकर शिक्षा व्यवस्था कम्प्लीट होता दि फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर एक्वायरिंग नॉलेज कौन थी गोटे प्रेसिफिकेशन इनफरेन्स कंपेरिजिम भर्बल टेस्टिमोनी मेथड उल वार्ड मेथड है रोल ऑफ ए टीचर कौन कौन रोल थी टीचर रि टीचर शुड बी एन आइडियल पर्सन एंड रियलेबल अल्सो दि टीचर शुड हाव नॉलेज ऑफ प्रकृति एंड ए पुरुष सो दैट दे कैन टीच दि स्टूडेंट इन ए गुड वे जदि गोटे टीचर प्रकृति आ पुरुष भितर डिफरेन्स कौन निजे भले से बुझी पारा तो गोटे छात्रटा गुड वे पढ़े पार दि टीचर शुड इम्पैक्ट राइट नॉलेज इन स्टूडेंट्स एंड सैटिस्फाई दि क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट मानकर क्यूरियोसिटी को से सैटिस्फाई करबे जदि जने ठीक से उत्तम ज्ञान पाइथिबे जने टीचर ताले से उत्तम ज्ञान छात्र मानक दे पारिबे सेकंड हला योग फिलोसफी हमें ताको कहो योग फिलोसफी महर्षि पतंजलि हैज बीन दि प्रोपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी किए थे सब प्रोपाउंडर मान तार प्रतिष्ठा किए थे महर्षि पतंजलि सो सम पीपल कॉल्ड इट पतंजलि फिलोसफी जेहेतु पतंजलि द्वारा एटा फाउंडेशन होता से एआई थियोरी ना हो फिलोसफी ना हो पतंजलि फिलोसफी दि स्पेशलिटी ऑफ दिस फिलोसफी इज दैट लाइक अदर फिलोसफीज इट इज नॉट ओनली थियोरेटिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल सब फिलोसफी भाया केवल थियोरेटरी सीमित ना एस फिलोसफी प्रैक्टिकली बहुत जिन पा पढ़ाक मिलूला हेल्दी बॉडी एंड पावरफुल सोल बोथ आर सब्जेक्ट ऑफ दि ऑफ योर स्टडी जेहतु आम योग द्वारा कौन हुए आम बॉडी सब पूरा रहे निरोग है प्लस आम माइंड को गोटे पीस मिले आम गोटे पावरफुल सोल आम गोटे क्रिएट कर पारू से यार मेन उद्देश्य था आम गोटे हेल्दी बॉडी क्रिएट करवा आमर सोल को पावरफुल करवा दिस फिलोसफी बिलीव्स दैट दि माइंड कैन बी प्योर ओनली व्हेन बॉडी इज हेल्दी एंड दि प्योरिटी ऑफ दि माइंड विल लीड टू फैकल्टी ऑफ मेंटल प्रोसेस जहाँ को आम कौन कौ चित्त कहू ता मैंने जदि आम आत्माटा से स्ट्रंग हो पारे जिते बड़े आम शारीरिक भाव में सुस्थ थी आम मेंटली पीस थी The purpose of yoga is to understand the real form of soul, but this form can be understood only when all the aspirations and ambitions of mind are controlled.
The perfect control over the aspiration and ambition is the main target or motto of yoga. When the mind is not wandering and it is controlled to control the form of a God, may be realized to see the form of God is called yoga. हम से तोले कौन को तको योगा बोली की कहू? There are 8 aspects of yoga. योगा रो मेनली 8 aspects अच्छी. हमें तको कौन कहू? अष्ट सूत्र बोली बा अष्टांग मार्ग बोली हमें कही था. They are also called अष्टांग. प्रथम टा होची यम. यम means absence. Absence of violence or a false stealing. नियम. नियम होची कौन? नियम means संतोष. जहाँ का हमें कौन कहू? ଆମକୁ ଆମର ମାନେ ଯାହାକୁ ତପସ୍ୟା ପ୍ୟୁରିଟି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନସିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଉ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁ ଆମେ ତାକୁ ନିୟମ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆସନ ଦି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଂ କମ୍ଫର୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପୋଶ୍ଚର ଇନ୍ ଆସନ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର ବା ପୋଶ୍ଚର ପୋଜିସନ୍ ବସିଲେ ଆମେ ଆମକୁ କିଛି ଆମର ଫିଜିକାଲି ଆମର କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ଆସନ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେସବୁ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡିଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ହେଇକି ରହିଥାଏ प्राणायाम प्राणायाम कहवा दि कंट्रोल ऑफ ब्रीथ व्हाइल इनहेलिंग कीपिंग इट इन दि लंग्स फॉर सम टाइम एंड एक्सहेलिंग आउट आर थ्री प्रोसेस ऑफ प्राणायाम तो प्राणायाम आम कौन करू गोटे निश्वास टाक नहीं बॉडी भितर ना पूरा स्लो मोशन रे किसी समय आम लंग्स फुसफुस रखा तापर पुणी स्लोली आम बॉडी रु काढ़ कौन कर एक्सहेलिंग करिबा को आमे ताको प्राणायाम बोली कहिथौ प्रत्याहार सेंदी का कोंती प्रत्याहार इज कंट्रोलिंग द माइंड बाय कीपिंग अवे द ऑर्गन सेंस फ्रॉम एक्सटर्नल अट्रैक्शन आमर जो बाह्य आकर्षण जो गोटा अछि आमे ताधरु मुक्ति पाइथौ प्रत्याहार द्वारा धारणा सेंदी कोन थाय टू अप्लाई द माइंड टू सम इंटरनल सब्जेक्ट किछि इंटरनल सब्जेक्ट को आमे आमे माइंड रे अप्लाई करिया को धारणा बोली कहिथौ ध्यान सेंदी का कोंती टू कंसंट्रेट एक्शन अटेंशन ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ माइंड गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट रे गोटे पूरा संपूर्ण मुह रूपे पूरा निमग्न होकर पढ़ा ध्यान बोली कहुए आठ नंबर समाधि योग फिलोसोफर्स कंसीडर दैट सल्वेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू समाधि है समाधि थ्रू रे ही आमको आमर सल्वेशन टा गेन पार मेथड्स ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन मेथड दे कि शिक्षाटा पॉसिबल होतला रिलीजियस टीचिंग मेथड लॉजिक मेथड सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस मेथड मेथड ऑफ हियरिंग एंड मेडिटेशन एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ योग फिलोसफी कौन कौन तर एम्स थिला साध्य और मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला प्रपोज ऑफ लिबरेशन लिबरेशन टाको से केमिति एनहांस करिवे सेटा तर मेनली एम थिला साधना और इंस्ट्रुमेंटल ऑब्जेक्टिव थिला कौन आम फिजिकल डेवलपमेंट केमती हो पारे आम बॉडी केमती डेवलपमेंट हो पारे फिजिकल रे मोरल आम नैतिक ज्ञान केमती वृद्धि हम इमोशनल आम इमोशन केमती वृद्धि हम प्लस आम कौ टाइम केमती इमोशन को कौटी शो करवा दरकार से विषय में धारणा ज्ञान आसीज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पार आम क्यारेक्टर डेवलप हो पार आउ मेंटल ग्रोथ हो पार बुझेगा थर्ड टाइम न्याय फिलोसफी गौतम अक्षपद जे थे कौन थे आमर फाउंडर थे न्याय फिलोसफी वाज दि फास्ट सिस्टमाइज दि न्याय सूत्र अबाउट सेकेंड सेंचुरी बीसी सेकेंड सेंचुरी बीसी रे न्याय सूत्र को प्रकाश करते किए गौतम न्याय लिटरली मीनिंग जस्टिस और रूल्स मेथड और जजमेंट बेस न्याय पढ़ाटा न्याय पर जोगर आम केवल सब जाक रिलेट होता क्या आम फिजिकल डेवलपमेंट बेस फोकस करते बेस न्याय फोकस कर दि प्रोफाउंड वर्ड डन बाय गौतम इज इन दि फॉर्म ऑफ 5-1 न्याय सूत्र व्हिच वर डिवाइडेड इनटू 5 अध्यायज बुझेगा जो 521 से न्याय सूत्र लिखी थे पांचटा अध्याय भाग कर अध्याय कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन
और अनिकस अनिकस ताको आमे कोन कहले तले जो आमे जो पांचटा नाय सूत्र थिला आमे ताको पांचटा अध्याय रे डिवाइड कर देले सब प्रति अध्याय माने अध्याय रे इटा लेखा सेक्शन रहथला आमे ताको अनिकस बोली कहू सॉरी अहनिकास द नया फिलोसफी कैन बी अंडरस्टूड कॉम्प्रेहेंसिवली अंडर फोर डायमेंशन चारटा डायमेंशन ता अंडर थिला ओटे हला थ्योरी ऑफ नॉलेज थ्योरी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एंड लिबरेशन थ्योरी ऑफ गॉड दिस फिलोसफी कैन बी एलाबोरेशन ऑफ 16 फिलोसॉफिकल इश्यूज और एसेट 16टा थिला अदर फिलोसफी प्रमाण Knowing things truly which includes all these sources of knowledge. आमे कोटा दिन सर नायक रखल आमे प्रथम तो तार प्रमाण दाखन जाने दरकार ना आरो सत्यता केते अछि केते आथरे मिथ्या अछि ताको जानले से आमे कोटा दिन सर नायक करबे तनु प्रथम पॉइंट थिला हमरा प्रमाण प्रमाण पर बेसी से माने इंपोर्टेंस दउथले दुटाला प्रमेय प्रमेय होची एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज हमर से जो ऑब्जेक्ट रा ट्रू नॉलेज टा को हमें प्रमेय बोली कहू अकॉर्डिंग टू नाय द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज आर हमर जो ट्रू नॉलेज टा विभिन्न प्रकार होइथाय एक रहला सेल्फ जक हम आत्मा कहू दुई बॉडी शरीर बोली कहू तीन सेंसेस आको हमें इंद्रिय बोली कहू सॉरी सेंसेस एटा एसे है सेंसिबल क्वालिटीज अर्थ कॉग्निशन बुद्धि कहू अप्रिहेंशन आपको जाक आम उपलब्धि बोली कहू छह नंबर है माइंड आम मानस बोली कहू सात नंबर एक्टिविटीज ताको आम प्रवृत्ति बोली कही था प्रवृत्ति आम कमी हो पारे मेनली वोकल हो पारे मेंटली माने मेंटल प्रवृत्ति हो पारे ना बॉडीली प्रवृत्ति हो पारे मेंटल डिफेक्ट्स जहाँ आम दोष बोली कहू से भी तीन टा प्रकार गोटे हूँ राग जहाँ आम आटाचमेंट बोली कही था द्वेष जहाँ आम हार्टेड बोली कही था मोह जहाँ आम इनफैचुएसन बोली कही था नौ नंबर टा हूँ रिब्राथ हूँ प्रत्यय भाव जहाँ आम प्रत्यय भाव बोली कही था दस नंबर टा हूँ प्लेजर एंड पेन एक्सपीरियंस जहाँ आम फल बोली कही था सफरिंग हूँ दुख बार नंबर पॉइंट हूँ लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग जहाँ आम अपुभाग बोली तीन नंबर पॉइंट है समस्या जहाँ को आम डाउट बोली कही था ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी सॉरी अनसर्टेनिटी जितेबाला आमको गोटे आमर गोटे अनसर्टेनिटी आम मन में आम गोटे सन्देह भाई आसे तो आम समस्या से सृष्टि हुए तापर चार नंबर पॉइंट हूँ प्रयोजन वर्क टू अटेन डिस्क्राइब और अवॉइड अनडिजरेबल पांच नंबर है दृष्टांत अनडिस्प्यूटेड फैक्ट आम जहाँ जेनराल रूल बोली कही था छ नंबर है सिद्धांत डॉक्ट्राइन दैट इज सर्टन अभयन एनी ऑफ द फाइव प्रीपोजिशंस ऑफ अ सिलोजिम तर्क हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट निर्णय सर्टन नॉलेज थ्रो लेगिटिमेट मेथड्स वेद डिस्कशन विथ दि हेल्प ऑफ प्रमाणस एंड तर्क आपको आम कौन कहू जल्प वादी एंड प्रतिवादी एम ओनली दि विक्ट्री ओवर इच अदर वितंड दि ओपोनेंट्स डू नॉट एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इंस्टेड रिफ्यूट अदर्स मितभाष अपियर्स एज ए रीजन बट इन रियलिटी नॉट ए वैलिड रीजन चल काइंड ऑफ अनफेयर रिप्लाई टू कॉन्ट्राडिक्ट ए स्टेटमेंट जति अनफेयर रिप्लाई बेस्ड ऑन फॉल्स एनालॉजी निग्रह स्थान मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट वन्स ओन और अदर पार्टी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल डिफेक्ट इन डिबेट चार नंबर है वेदांत फिलोसफी
दि उपनिषद आर एक्चुअली रिफर टू आज वेदांत आम उपनिषद को वेदांत बोली दि मीनिंग ऑफ उपनिषद इन संस्कृत उप बाय निषेध सिट डाउन बाय सिट डाउन व्हिच आल्सो मीन्स दि स्टूडेंट सिटिंग डाउन नियर दि टीचर व्हाइल रिसीविंग स्पिरिचुअल नॉलेज जेतेबेले गोटे स्पिरिचुअल नॉलेज को आम गेन करिथाउ सेतेबेले आम टीचर का साइड रे आम सब बसिकी ए पाठ पढ़ुथिबारु आना मध्य वेदांत होइछि बोली किछ लोक कहंती दैट्स व्हाई उपनिषद आल्सो कंटेन दि नैरोटिव टेक्स्ट टोल्ड बाय दि सागर दि वर्ड वेदांत इज फॉर्मड बाय टू वर्ड गोटे हला वेद मीन्स कंप्लीट नॉलेज एंड अंत मीन्स एंड अंत सो द मीनिंग ऑफ द वेदांत इज द एंड और कंक्लूजन ऑफ ऑल द नॉलेज एंड एंड ऑफ द वेदास और वेदांत फिलोसोफी इज फ्रॉम वन ऑफ द सिक्स इंडियन दर्शन और फिलोसोफी इंडिया रा छटा दर्शन मध्य रे वेदांत अन्यतम कौन थिला रा कांसेप्ट थिला मेनली ब्राह्मणज एंड और ब्रह्मा जहाँ आम गॉड बोली कहू अल्टीमेट रियलिटी प्रथम कांसेप्ट थिला आत्मन जहाँ आम सेल्फ और सोल बोली कही था जहाँ आम आत्मा बोली कही था टू अटेंड ब्रह्म और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट रादर दैन वेंडरिंग हियर एंड दे आर फॉर गॉड इट मीन्स फाइंडिंग द गॉड विथ अस आम भगवान को एणे तेणे न खोजिकी आम निज भितर खोजे कारण भगवान कौटी थी पारे न थी पारती आम एत डाउट न रहीकि यदि आम निज भितर निज आत्मा भितर भगवान सत्ता को पाइबा तो आम भगवान उपलब्धि को हासिल कर पारिबा एम्स ऑफ एजुकेशन कौन थी एम्स अकॉर्डिंग टू उपनिषद philosophy the following were accepted as the principal aims of education for the students in the gurukula amar upanishad ko adhar kari ki pila mane kon padhile gurukula re padhile tankar sab kon kon aim thila dekhiba acquisition of the supreme knowledge physical development character building complete development individual and social development spiritual development education for culture in various upanishads number of subjects were taught to the students were required to study two types of vidyas for example ka ko ame kahu para vidya au apara vidya para vidya ka kunti to study the relationship between man mane ja ko kunti ame jiva world mane jagat ebang god parmatma jiva jagat parmatma madhyam re thiba relationship ku ame para vidya boli koi thau apara vidya ka kau apara vidya consisted of four vedas and six subjects are of phonetics knowledge of rituals grammar astronomy and purana sastra पॉइंट टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसोफी एक है आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी रो कौन कौन आइडियोलॉजी रो ओडिया आदर्शवाद तार कौन कौन सब रूल थिला फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सब कौन थिला दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड ताकर प्रथम फंडामेंटल थिला प्रिंसिपल थिला से माने जेहेतु भगवान को पर विश्वास करथुले से माने सब जिन सारा क्रेडिट केवल भगवान को ही दौले कहते कि टोटल यूनिवर्स को भगवान तैयारी बोली कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर टू मटेरियल वर्ल्ड मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन ट्रुथ गुडनेस एंड ब्यूटी इज एसेंशियल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन बुझाला एतिक थिला फंडामेंटल प्रिंसिपल गोटे आइडियलिज्म रो एजुकेशन पई एम ऑफ एजुकेशन अल्टीमेट एम इज टू नो फ्रॉम ऑफ सोल एंड गॉड मैन हैज टू क्रॉस फोर स्टेजेस टू नो दिस कौन कौन फोर स्टेजेस थिला डेवलप नेचुरल सेल्फ डेवलप सोशल सेल्फ इंटेलेक्चुअल सेल्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एज चारिटा स्टेज देखिए हमारे एम एजुकेशन कंप्लीट होता आउ कौन थिला एम ऑफ एजुकेशन रे कल्चरल डेवलपमेंट कल्चर को डेवलप करने मुख्य उद्देश्य थिला
कंजर्वेशन प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज केमी कल्चरल हेरिटेज को प्रमोशन करहब ट्रांसमिशन करहब ताको केमी सुरक्षा देहब बा कंजर्वेशन करहब तार उपर मध्ये से माने गुरुत्व दउथले आउ गोटे थिला एम रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ गुडनेस एंड ब्यूटी गुडनेस ट्रुथ और ब्यूटी को रियलाइज करबा मध्ये शिक्षार मुख्य एम थिला करिकुलम ऑफ एजुकेशन कौन थिला एजुकेशन करिकुलम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज कौन कौन थिला एग्जांपल ले मैथमेटिक्स हला लैंग्वेज लिटरेचर हिस्ट्री साइंस एसेट्रा थिला हमरा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज रे मोरल एक्टिविटीज रे कौन थिला एथिक्स स्पिरिचुअल एस्थेटिक एक्टिविटीज रे हमरा आर्ट आर्ट आउ म्यूजिक इंक्लूड थिला मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन मेथड दे कि से माने शिक्षा को संपादन करथले आइडियलिस्ट एडवोकेटेड मेनी मेथड्स दे थिंक देमसेल्व्स एज ए क्रिएटर मेथड इंस्ट्रक्शन मेथड थिला कंजर्वेशन मेथड थिला आउ लॉजिकल मेथड थिला से माने सब जेहेतु से माने आदर्शवाद शिक्षा थिला से माने आदर्शवाद को बेसी इंपोर्टेंस दउथिले से माने केमिति का सहित कथा हबे केमिति कोन लॉजिक रे से माने से मानकर लाइफ को बंचिबे से बलिया सब मेथड देके शिक्षा से मानकर कंप्लीट हेउथिला एजुकेशन सिस्टम रे टीचर कर कोन रोल थिला रोल ऑफ टीचर इज वेरी इंपोर्टेंट शिक्षक रोल टा बहुत इंपोर्टेंट थिला टीचर हेल्प्स इन मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टीचर माने पिला मन को मध्य रे स्पिरिचुअल आ मोरल डेवलपमेंट को हेल्प करथले स्कूल कोन थिला स्कूल सिस्टम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म स्कूल इज द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एजुकेशन समस्त जें कि इफेक्टिव आ रेगुलर एजुकेशन कोन पाउथले स्कूल रु पाउथले स्कूल इज एन आइडियल ऑफ प्लीजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन स्कूल पिला मन का पाई सब विभिन्न प्रकार जॉयफुल एक्टिविटीज गुडा को होतला स्टूडेंट्स कम इनटू कांटेक्ट विथ आइडियल टीचर्स इन स्कूल एंड गेट द एजुकेशन ऑफ हाई आइडियल्स जेहेतु से माने से आदर्श शिक्षक मन का संस्पर्श रासंती से माने मध्ये आदर्श शिक्षा ग्रहण करथंती विद्यालय सेकंड हला नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म हला प्रकृतिवाद इंट्रोडक्शन ने कौन कौन कहले हमें प्रकृतिवाद लोक मैंने भगवान को विश्वास कर नथले किंतु से माने विश्वास करथले भगवान को माने आइडियलिज्म माने से माने सबुठ रु ताकर सब कथा रे इंपोर्टेंस दथले भगवान को नेचुरलिज्म माने प्रकृति को ही बेसी इंपोर्टेंस दथले से माने गॉड रे एक्जिस्टेंस को बिलीव कर नथले गॉड डज नॉट एक्जिस्ट से माने भाबथले कि भगवान एक्जिस्ट करंदी नै सोसाइटी रे मटेरियल वर्ल्ड इज रियल मटेरियल वर्ल्ड टा होचे हमरा सत्य नेचर इज सोर्स ऑफ नॉलेज दिस यूनिवर्स इज सॉर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर ए यूनिवर्स टा का द्वारा क्रिएट हेची नेचर द्वारा क्रिएट हेची फंडामेंटल प्रिंसिपल सब कोन कोन थिला ओनली मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कोटि अछि बोली से मनक भावना रे नथला बा ता से मनक शिक्षा नीति नथला सोल इज कॉन्शियस एलिमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैटर मैटर रु हमरा सोलटा प्रोड्यूस हेतला बले से माने भाबुथले नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी से माने नेचर को हमरा अल्टीमेट रियलिटी बोली भाबुथले एम ऑफ एजुकेशन कोन कोन एमतिला डेवलपमेंट ऑफ पावर पावर को केमती डेवलप करिवे एनेबल मैन टू लिव ए नेचुरल लाइफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन शिक्षा रे कोन कोन करिकुलम थिला गोटे करिकुलम शिक्षा मेनली तीन टा स्टेज दे जाउथला गोटे ला इन्फेंसी गोटे ला चाइल्डहुड आ गोटे ला एडल्टहुड इन्फेंसी स्टेज रे कोन होतला हमर फिजिकल डेवलपमेंट होतला आ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन रे किछि वे नथिला से माने आज चित्र कले खाली पाठ पढिले खाली गप करिले एई भले टाइप रे जाउथला से माने किछि फॉर्मल वे रे एजुकेशन होउ नथिला किंतु जेतबे इन्फेंसी रे परे जेतले से माने चाइल्डहुड स्टेज रे पळै आसले ट्रेनिंग ऑफ सेंस दियाला से मानको किछि किछि ट्रेनिंग दिया गला ए शिक्षा रे कौन है से स्विमिंग करा गला हॉर्स राइडिंग करा गला किछि पटेरी काम होला किंबा जोडा का कोन दी क्रिएटिव स्किल जोडा का होला माने क्राफ्ट गुडा का होला ए सब टाइप रे शिक्षा से मानको दिया गला चाइल्डहुड पीरियड रे एडल्टहुड पीरियड रे से माने कोन कले ए पीरियड रे से माने यूजफुल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज कंट्रोल ओवर इमोशन ताको सब इमोशन को कंट्रोल करे केमिति यूजफुल और प्रैक्टिकल नॉलेज टा पाबे तारे पर इंपोर्टेंस दउथले मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन मेथड थिला डिस्कवरी मेथड सब डिस्कवरी करूथिले डाल्टन मेथड डायरेक्ट मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड प्लेवे मेथड एई मेथड सब दे समानकर शिक्षाटा कंप्लीट होथिला डिसिप्लिन सेतबेला त डिसिप्लिन त सब शिक्षा सबुट अधिक इंपोर्टेंट हेते नाइदर बाय पनिशमेंट और नॉर बाय टीचर्स इन्फ्लुएंस डिसिप्लिन से समानकर ना कि ताकू पनिशमेंट दे परिबे ना से माने का इन्फ्लुएंस जाई परिबे
नेचर बाय इटसेल्फ इज ए टीचर दैट गिव्स लेसन और डिसिप्लिन टू मैन। इठी ए मैन जेहेतु माने प्रकृतिवादी लोक थिले से माने टीचर सेते बेसी इम्पोर्टेंस को बुझुनथिले बुझला प्राइमरी सब बेले तांकर मेन रोल टा प्ले करथला प्रकृति तेनु कहथिले कि इठी के ना किछि लेसन हबो ना किछि काकु के कोन हबो पनिशमेंट दे परिबो कारण से मानकर मेन टीचर होचंती लेस माने के आमर नेचर आउ जदि आम कि मैन व्वेन मैन डज एविल नेचर इटसेल्फ पनिश जदि मैन जदि किसी भूल कम कला तेल निजे नेचर ही पनिश कर पार इटि टीचर ताक गोटे स्टूडेंट को पनिश करेनि नेचर ताक पनिश कर यह भाया शिक्षा व्यवस्था टीचर कौन रोल था टीचर रोल्स रोल इज सेकेंडरी प्रथम रोल तो मुझे आगे कहली प्रथम रोल था प्रकृतिर सेकेंड रोल टा थिला हमरा टीचर टीचर रोल इज सेकेंडरी टीचर क्रिएटेड सुइटेबल एनवायरमेंट फॉर चिल्ड्रन टीचर मेन काम था से केवल गोटे सुइटेबल एनवायरमेंट क्रिएट करदे पाला पढ़ापी बाकी पिला केमी पढ़व नेचर कोल रही नेचर को से केमी पढ़व से सब डिपेंड कर पिला स्कूल स्कूल टा केमती है थिला बा को को जगह थिला स्कूल थिला लैब ऑफ नेचर इज स्कूल एंड नेचर बाय इटसेल्फ इज द टीचर ए टाइप रो मेथड रे शिक्षा रे निजे स्कूल ही थिला प्रकृति त माने घंच अरण्य रे हला गुरुकुल टाइप रो शिक्षा से माने सिखुथले नेचर इटसेल्फ इज द टीचर प्रकृति से मानको शिक्षा माने से माने गोटे प्राकृतिक परिवेश रे रही कि दिनु को दिन से माने जो पाती जो किसी किसी एक्सपीरियंस पाती से थ्रू से शिखती तेणुक से कहला कि नेचर इटसेल्फ इज दि टीचर बुझेगा आउ ए फ्रम सिटी सिटीज रु सहर ठू दूर रोला पूरा फांका स्थान में अपोस्ट एक्जामिनेशन एंड टाइम टेबुल ये परीक्षा मानने एजुकेशन सिस्टम स्कूल में कौन प्रकार एक्जामिनेसन ना कि टाइम टेबुल कि दसटा चार पिला पढ़े चार आठ तक हमने स्कूल सर सेमती ना टोटल 24 आवर्स से माने शिक्षा ग्रहण करते प्रकृति केते बले भी किसी शिक्षा पाते प्राग्माटिज्म प्राग्माटिज्म टा होची परिमाणवाद द वर्ड प्राग्माटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्राग्मा व्हिच मींस एक्टिविटी और वर्क आम के परिमाण एक्टिविटीज करम करे आम परिमाणवाद बोली कौन थी यार एजुकेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एम्फासिस ऑन प्रिंसिपल ट्रुथ से मानकर एम्फासिस थिला कर सत्य पर आधारित थिला मैन इज दि हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ दि वर्ल्ड से माने मनुष्य को ही सबुठरु अधिक हाईएस्ट क्रिएचर माने बुद्धि रे आउ चेतना रे सबुठरु अधिक भलो के मनुष्य को भाबुथिले दि बेसिस ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सोशल प्रोग्रेस सॉरी प्रोसेस ह्यूमन डेवलपमेंट आम सोशल प्रोसेस देखिए कंटिन्यू होता सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग सोशल डेवलपमेंट हेले जाए आम गोटे हैप्पी लाइफ जीन पार ना आम सोसाइटी तेरे पार्टीतुंड होता कौट डिस्टर्बांस होता कौट युद्ध होता आम से जगह तो काम मानते शांति पाइबानी तेणु करम सोशल डेवलपमेंट को बे इम्पोर्टेंट दौले फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब वाले विश्वास करुले फेथ टाक प्रेजेंट आंड फ्यूचर बोली विश्वास करुले एम ऑफ एजुकेशन कौन कौन एम थी डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल को डेवलप करवा एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ विषय में पिला मानक शिक्षा देवा एक्वायर एक्सपीरियंस टू डिटरमाइन आइडियल्स बुझेगा से आइडियल्स विषय जन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कौन थी सब प्रिंसिपल गोटे थी देखो मेनली पांचटा प्रिंसिपल थिला प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट शिक्षार पांचटा ए पांचटा करिकुलम थिला मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन मेथड थिला एम्फासिस ऑफ रियलिटी सत्य पर आधारित थिला एम्फासिस ऑन एक्टिविटीज कार्य पर आधारित थिला एम्फासिस ऑन इंटीग्रेशन एम्फासिस ऑन क्रिएशन ऑफ अ हायर सोशल एनवायरमेंट इन स्कूल स्कूल हायर एनवायरमेंट रे केमती पिला माने पढ़ी पारे तापर मध्य आधारित थिला इंटीग्रेशन पर मध्य आधारित थिला डिसिप्लिन आधे कौन कौन डिसिप्लिन थिला मोर इम्पोर्टेंस टू सोशल डिसिप्लिन से सामाजिक श्रृंखलता को बेसी प्राधान्य देउथिले चाइल्ड लर्नस डिसिप्लिन बाय टेकिंग पार्ट इन स्कूल्स सोशल एक्टिविटीज स्कूल सोशल एक्टिविटीज रे पिला माने डिसिप्लिन सिखुथिले टीचर कर कौन कौन रोल थिला आधे टीचर शुड प्ले रोल ऑफ एक्टिव ऑब्जर्वर एंड गाइड
टीचर मैंने केवल रोल प्ले करते कौन कमी एक्टिविटीज को कम्प्लीट कर से को ऑब्जर्व करथला से पिला मन को गाइड करथले हेल्प चिल्ड्रन इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन पिला माने को ठीक निष्पत्ति ठीक टाइम रे नेबे ताकू मध्य हेल्प करथले बिहेव होइथ लव एंड सिंपथी पिला मन को सहित लव माने अफेक्शन 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 वरे से मन को व्यवहार करथले प्लस तांको सिंपथी दथले सब कथा ताको पर चिटचिट होउ नथले रागु नथले तांको सब कथा रे हेल्प करथले स्कूल सेमती कोन कोन को जगह स्कूल होबा दरकार स्कूल्स शुड बी lively laboratory where children work observe experience and discover their ideals in real social environment existentialism ar kon fundamental principle sab thala only material world is true se mane material world ko sata bole babu thale man has independent existence there is no ultimate aim of human life ra kichi ultimate aim nathila aims of education kon thila to enable children for responsible selection to make children strong and courageous to develop able human species curriculum kon thila education ra curriculum thila kon curriculum should be wide prominent place to language exercise and sports should be compulsory jehetu astitvabad upare ei shiksha ta byabostha ta thila sethi pai semane sports and exercise ku bahut importance dauthile mane compulsory samaste taku sikhiya ko badhya thile teacher kor kon kaam thila no teach anything फोर्सिबल बाध्यबाधकतार आम क्या किसी शिक्षा दे पारानी एस्टाब्लीश क्लोज रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट्स मान शिक्षक स्टूडेंट भितर रिलेशनटा क्लोजली थिला